नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हमारे फार्म में बेच का 10वां दिन है और 10वें दिन में हम किस प्रकार से फार्म के अंदर हमारे स्किल और हमारे कार्य को जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हमें जो है रिजल्ट अच्छे से अच्छा मिले। दोस्तों हम बात करेंगे कि यह एक ईसी पोल्ट्री फार्म है, किंतु पिछले 10 दिनों से जो मैं वीडियो बनाते हुए आ रहा हूँ और मैंने आपको जो है वीडियो बना के जो बताया है वो एक साधारण फार्म की तरह ही है और हमें जो है वास्तविकता में इसी फार्मिंग के कॉन्सेप्ट को समझना ये है कि इसी फार्मिंग भी एक प्रकार से साधारण ही फार्म है। उसमें सिर्फ और सिर्फ हम तापमान को कंट्रोल कर लेते हैं और एकदम से जो आने वाले जो तापमान का जो परिवर्तन है, जैसे कि तापमान बढ़ जाना या फिर तापमान एकदम से घट जाना, इन दोनों का हमारे पास में उपाय होता है। कि तापमान अगर मान लीजिए बढ़ गया तो अब ये तो हमें पता है कि हमारा जो है सिस्टम तो चल ही रहा है, सेंसर बेस्ड सिस्टम है तो कूलिंग पर चालू हो जाएगा, एग्जॉस्ट फैन बढ़ जाएंगे वो चालू हो जाएंगे, तो ये तो हमारा समझ में आ गया कि तापमान बढ़ जाएगा तो हमारे फार्म के अंदर का तापमान हम कंट्रोल कर लेंगे। किंतु अब तापमान एकदम से गिर गया तो हम किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे? दोस्तों उसमें भी कुछ नहीं होता, अगर हम साइड से कर्टन अगर पूरा पैक कर देंगे तो फार्म के अंदर का तापमान जो है बाहर की तुलना में थोड़ा सा बढ़ ही जाता है और बढ़ ही जाता है साथ में। अब फार्म के अंदर की जो गर्मी वो फार्म के अंदर ही रुक गई। अब चूंकि टेम्परेचर बेस्ड फैन तो चल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ टाइमर के ऊपर जो फैन जो है वो चल रहा है, तो उसके कारण जो सिर्फ उतनी गैस निकाल पा रहा है जितनी हमने उसको कमांड दी, तो फार्म के अंदर जो है तापमान बना हुआ रहता है। मतलब हम इसे चाहें तो तापमान बनाया हुआ भी रख सकते हैं और तापमान को जो है ज़्यादा होने से भी हम रोक सकते हैं। मतलब पिछले 10 दिनों से आप देख रहे हैं कि यह फार्म एक साधारण फार्म की तरह कार्य कर रहा है, इसमें हमने कोई विशेष जो है तरीका नहीं लगाया। दोस्तों अब जो है बहुत सारे फार्मर भाई सोच रहे होंगे कि साइड से कर्टन ऊपर कर दिया अब ये तो एक जो है ओपन फार्म ही होगा, किंतु दोस्तों अब जब बाहर का तापमान ही अभी देखेंगे तो करीब 23-24 डिग्री है, तो फार्म के अंदर का तापमान कर्टन वर्टन लगा के और एग्जॉस्ट फैन से फिर चालू करके और हमें एनर्जी खर्च करने से क्या मतलब, जब बाहर से ही हमें सब चीज़ें मिल रही है। हमें हाइग्रोमीटर जो है हमारा लगा हुआ है वो कहीं पे होगा, मैं देख लेता हूँ, उसी से हम मेंटेन कर लेते हैं। हाँ यार तापमान तो ठीक है और ह्यूमिडिटी भी ठीक है और बर्ड कोई इतना पेंटिंग कर रहा है और बढ़िया देखिए बर्ड पूरे फार्म में बढ़िया तरीके से घूम रहे हैं वो। तो दोस्तों यही होता है कि हाँ जब सब चीज़ें हैं तो कोशिश ये करें कि कम से कम हम एनर्जी का खर्च करें और बाहर के तापमान और बाहर के जो एटमॉस्फेयर उसका हम फायदा कैसे ले सकें। हम चाहें तो जो बहुत सारे फार्मर भाई ने कमेंट करके पूछा कि हम दीवार ही उठा सकते हैं, दोस्तों बिल्कुल उठा सकते हैं। दीवार के बहुत सारे फायदे ये हैं कि हमें जो है बार बार कर्टन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मेंटेनेंस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पर देखिए अब कर्टन फट चुके हैं, यहाँ से कर्टन फट चुके हैं, तो ये हमें बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किंतु दीवार में एक नुकसान ये भी है कि आप जो है ज़रूरत पड़ने के ऊपर मान लीजिए अब मानसून का मौसम है और टेम्परेचर अब इस बार जो है अभी फिलहाल में बारिश होगी, बारिश होने के बाद में तुरंत होने के बाद में फिर गर्मी होगी, तो उस कंडीशन में जो है हमें एग्जॉस्ट फैन की ज़रूरत पड़ेगी। किंतु दोस्तों अगर हम अभी फिलहाल में अगर देखें तो फिलहाल में कम से कम एक हफ्ते तक हमें ना एग्जॉस्ट फैन ज़्यादा चलाने की ज़रूरत है ना ही हमें कूलिंग पैड ज़्यादा चलाने की ज़रूरत है। मतलब हम जो है पूरे फार्म में जब बच्चे फैल जाए और जब तक बच्चे जो है कम से कम 1 किलो से प्लस नहीं हो जाए तब तक जो है हमें एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों मैंने अभी जो कर्टन जितने भी है अभी जो एक साइड से कर्टन खुला हुआ है, एक साइड से मैंने जो रस्सी यहाँ जो है अभी बांधी नहीं है, जो तूफान के कारण जो दीवारें टूट गई थी उसको रिपेयर करवाने के बाद में जब अपना ऐसे ही क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है और फार्म के अंदर जो भी गैस जो डेवलप हो रही है दिन में वो हमारा एक एग्जॉस्ट फैन बाहर निकल रहा है। तो दोस्तों मैं मतलब मेरा जो कार्य करने का तरीका यही है कि मैं एक सिंपल तरीके से कार्य करना चाहता हूँ, कम से कम खर्चा लगे, और इसीलिए जो मैं जितने भी फार्मर भाई हैं मैं अगर उनको जवाब देता हूँ या फिर मैं उनको खर्चे के बारे में बताता हूँ कि मुझे कम खर्चा लगा, मुझे बिजली बिल कम लगा, डीजल कम लगा, तो दोस्तों उसके पीछे कहीं ना कहीं पे यही कारण रहते हैं कि मैं मुझे पता है कि मुझे कहाँ से खर्चा बचाना है। दोस्तों अब जितना अब ऐसा तो नहीं है कि पोल्ट्री फार्मिंग यहाँ पे मैंने 4,000-4,500 बच्चे डाल रखे हैं, यहाँ से तो ऐसा नहीं कि मैं 15 टन वजन निकालूंगा, 3-3 किलो के तो मुर्गे नहीं कर दूंगा। मुझे भी ये पता है कि मेरी इनकम जो है फिक्स है, मान लीजिए मैं 70,000-80,000-90,000 या 1 लाख रुपये निकाल पाऊंगा, तो अब यहाँ से 1 लाख रुपये मैं अगर निकाल पाऊंगा तो मुझे अब मेरे खर्चों में भी तो मुझे कटौती करनी पड़ेगी। मतलब मुझे पता है कि मैं ज़्यादा इनकम नहीं कर सकता तो फिर मैं खर्चे भी ज़्यादा नहीं करूँ तो मैं मेरे खर्चे के ऊपर कम करूँ। अब खर्चा में मुझे कहाँ पर लगता है? डीजल और मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, बाकी तो मेरे खर्चे इससे ओपन फार्म से या फिर इसी फार्म से कोई संबंधित ही नहीं है। तो दोस्तों
मेरा कहने का मतलब यह है कि हम जो है एक साधारण फार्म को एक इसी फार्म को भी एक साधारण फार्म की तरह कार्य करवा सकते हैं। अब और दोस्तों अब एक और समस्या मैं आपको बताऊँ कि साधारण फार्म में आप जो है फार्म के अंदर एकदम से जो है हवा जो रुक जाती है और उस क्रॉस वेंटिलेशन को हम करने के लिए हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उस कंडीशन में ये जो एग्जॉस्ट फैन जो चल रहा है ये बहुत शानदार कार्य कर रहा है फार्म के अंदर। मतलब जो है स्मेल जो आती है आप कभी भी देखिए कि ओपन पोल्ट्री फार्म भी अगर हो, पूरा गर्डन भी अगर खुला हो, फिर भी एक फार्म के अंदर एक गैस टाइप से और हमें स्मेल का अनुभव होता है। तो यहाँ पे जो है हमें स्मेल का अनुभव नहीं होता क्योंकि उस हवा को जो एग्जॉस्ट फैन बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों आज मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि 10वें दिन हम जो कार्य करने जा रहे हैं जो चीक ड्रिंकर है वो चीक ड्रिंकर हम हटा देंगे और धीरे धीरे जो है जो टर्बो फीडर है ये टर्बो फीडर भी हम हटाएंगे क्योंकि बर्ड अब थोड़े बड़े हो गए और उनको उनकी जो गर्दन है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही शायद टर्बो फीडर तक, तो उसके अंदर जो थोड़ा बहुत दाना बच रहा है उसके कारण भी वो मतलब दो दिन से मैं देख रहा हूँ दाना बच रहा है। तो दोस्तों अब मैं धीरे धीरे जो है चीक ड्रिंकर हटा दूंगा आज के दिन में, तो आज हटा ही दूंगा और धीरे धीरे जो टर्बो फीडर है जिनमें दाना जो बचा हुआ है वो दाना जो है मैं जिनमें दाना खत्म हो गया वो भी मैं टर्बो फीडर हटाना स्टार्ट कर दूंगा और इसके दो से तीन दिन में टर्बो फीडर भी हटा दूंगा ताकि बच्चे जो है पूरी तरीके से बड़े फीडर के ऊपर शिफ्ट हो सके। और फिर उसके बाद में मैं 11वें दिन में मतलब कल जो है कल और परसों में दो दिन में मैं ड्रिप कप भी हटा दूंगा ताकि बर्ड जो है पूरी तरीके से निप्पल के ऊपर ही शिफ्ट हो जाए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।